आज कॉलेज आने का ना भाई कुछ खास मकसद था नहीं। मंडे है, सारी क्लासेस हैं, फिर ट्यूसडे हाफ डे, थोड़े दिन रहते हैं, उसके बाद फेस्टिवल और आ जाएंगे, छुट्टियां और आ जाएंगी। मैं गया यार क्लासेस छोड़ के क्या करना है। वैसे उठने का मन था नहीं मेरा आज, बट क्या करें, एट द एंड अटेंडेंस के चक्कर में आना ही पड़ता है। ये कन्विंस कर रहा है मेरे को ट्रिप पे जाने के लिए और मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, धीरे धीरे मैं मान गया हूँ। गूगल पे स्कैनर खोल, अभी रुक जाओ। भाई तगड़ा काम हो रहा है, मैं तो छोटे मोटे शूट आई एम बैक फ्रॉम कॉलेज। और भाई जब आज मैं कॉलेज में था ना, मेरे को बहुत अच्छा एक आइडिया आया, और आइडिया मैं तुम्हें नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा तुम्हें उस चीज़ की वीडियो बना के दिखाऊँ, ठीक है। और उसके अंदर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा उस वीडियो को शूट करने में, उस वीडियो को एडिट करने में। सो गाइस, तुम्हारे लिए एक नई चीज़ बहुत जल्दी आएगी। अगर नहीं आए एक हफ्ते में तो मुझे रिमाइंड कर देना एक बार। एंड आज मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिला, उसने पूछा कि भैया आपकी फिल्म अभी तक आई क्यों नहीं, रेडी क्यों नहीं हुई। भाई देख, उसका साउंड डिज़ाइन चल रहा है और कॉलेज के स्टूडियो में चल रहा है, और बीच में ज़्यादा छुट्टियाँ होने की वजह से वो काम डिले होता जा रहा है, बट मैंने आज साउंड स्टूडियो जाके सर से बात कर ली है और वो काम बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो आ जाएगी। यार बहुत तेज़ भूख लगी है, आज मैंने खाने में भी सिर्फ फ्रूट खाया है। एप्पल्स दिख रहे हैं, ये लेके गया था सुबह सुबह कॉलेज से उठा के दो तीन। तो ये अपने बनाए हुए छोले रखे हुए हैं और चावल भी काश थोड़े से रखे हों। यार अभी मेरे को अमेजोन पार्सल वाले का कॉल आया, वो कह रहे हैं भाई मैं इस सोसाइटी में खड़ा हूँ, आप पार्सल लेने आ। भाई एड्रेस दूसरा डला हुआ है, आप वहाँ क्या कर रहे हो? कहता भैया यहीं का डला हुआ एड्रेस। यार मैंने डबल कंफर्म कर लिया, ये तो गलत बात है। देखो वैसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर ये गलत बात होती है। दूसरी सोसाइटी में खड़े होकर तुम बोल रहे हो मैं आपकी सोसाइटी में खड़ा हूँ। आया क्या है ऑर्डर में? मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे सारे के सारे डेकोरेशन रूम डेकोर करने के लिए जितने मैंने पार्सल्स मंगाए हैं वो ट्यूसडे तक आएंगे। तो आज मंडे है, आज एक पार्सल आ रहा है। और लास्ट व्लॉग में ये वाला मिरर आया था और मैंने लगा भी लिया इसको यहाँ पे। चलो भाई अभी मेरे लंच का तो इंतज़ाम हो गया, मैंने लंच टाइम पे कॉलेज में तो फ्रूट खाया सिर्फ, एंड अब मैं प्रॉपर मील लूँगा। मेरे को वीडियो एडिट करनी है, फिर मेरे जिम जाना है, सो मैनी वर्क टू डू। और ये भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से दीमक लग रही है शायद दरवाजे में, और यहाँ पे छुटकू सा प्लांट उग रहा है हमारे। ये प्लांट है कौन सा? दीमक नहीं है, कीड़ियों का काम है भाई। ईशान से पूछता हूँ क्या करना चाहिए इसका, फिर देखते हैं। कीड़ियाँ तो गर्मियों में नहीं आती, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, अब कीड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? जितने थे भाई मैंने उतने के उतने डाल लिए चावल, क्योंकि थोड़े से बचाने का भी फायदा नहीं है, कौन खाएगा थोड़े से। और भाई ईशान मिला था कॉलेज में, अपना बैग पकड़ा के चला गया। यार अभी अभी मेरे को पार्सल वाला भैया मतलब पार्सल देके गए हैं, और मुझे डाउट हो रहा है मेरा ही पार्सल है ना, क्योंकि अमेज़न की डिलीवरी में तो कुछ और आने वाला था। पूरी वीडियो बनियान में थोड़ा बनाऊंगा भाई। हाँ तो ये जो पार्सल है एक्चुअली अमेज़न से आया ही नहीं है,
ये मेरे पोस्टर्स हैं जो मैंने मंगाए थे छोटे छोटे, मतलब देखने में तो वही लग रहे हैं। यस, तो ये इस साइज के पोस्टर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 50 होने चाहिए, तो ऐसे 50 पोस्टर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा भाई ये सब करने में, क्रेजी भाई क्रेजी। अलग अलग मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। इसको तो मेरे को ऐसे वर्किंग टेबल के सामने लगाना चाहिए अपने। ड्रीम प्लान टू डू थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स, फक देम ऑल, ओह दिस इज गुड। हसल 24/7, यू ओनली लिमिट इज यू। आई एग्री, मैं सिर्फ अपनी वजह से काम नहीं कर पाता, मतलब बेसिकली ठीक है सारे के सारे। अंडर 200 रुपीज, दिस इज वेरी गुड। मैं प्रोडक्ट रिव्यू कब से करने लग गया भाई, नहीं 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 वैसे अगर किसी को अपना प्रोडक्ट रिव्यू करवाना हो करवा भी सकता है भाई। सही बताना ये देख के कैसा लग रहा है, रंग बिरंगे इतने पर ब्लैक एंड वाइट इतने, मतलब ब्लैक एंड वाइट तो मैं सोच रहा हूँ उसे लगाऊं, रंग बिरंगे मैं सोच रहा हूँ अपने डेस्क मतलब अपने बेड के पास लगाऊं यहाँ पे। चलो भाई वीडियो अपलोड कर दिए एंड ये सब मैं आके देखूँगा, अभी मुझे जिम चलना चाहिए। भाई मैं तो बस सोने ही वाला था, मेरे को नींद आ रही थी। यहाँ पे डिलीवरी वाले भैया आए, बेल बजा रहे थे और मैंने ईशान को फ़ोन कर दिया वहाँ लेटे लेटे बेड पे। मैं कहा भाई ईशान यार तू क्या भाई अंदर आ जा ना, खुला दरवाज़ा। मैं उसे ईशान को कॉल करके डांट रहा हूँ कि आ जा अंदर। ईशान कहता मैं तो भाई दोस्त के घर ही हूँ, मैं तो आया नहीं घर पे अभी। सो गाइस अपना एक और डेकोरेटिव आइटम आ चुका है आज के दिन में, एक ये पोस्टर्स आ चुके हैं, एक ये बुक शेल्फ आ चुकी है दीवार पे लगने वाली। अब धीरे धीरे अपना बचा हुआ सामान क्या रहता है, एक सनसेट लैंप रहता है, हाँ बस एक एक लैंप रहता है अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं बहुत थक गया हूँ जिम से आके, आज मैंने लेग लगाई है और वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की है कुछ मैंने जिम में, और भाई मैं टायर्ड, मेरी टांगें कांप रही हैं, मेरे को भूख नहीं है बिल्कुल भी, केला खा लेता हूँ। चलो वापस उठने के बाद मुझे अभी अपना रूम भी साफ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है, ये सफाई नहीं हुई काफ़ी दिन से, मैंने की नहीं है और मिट्टी मिट्टी हो रखी है कमरे में, तो मेरे को वो भी साफ़ करनी है। वो सामने बर्तन दिख रहे हैं वो भी क्लीन करने हैं। सो गाइस मेरे को, मैं तुम्हें मिलता हूँ एक दो घंटे बाद। सोने के लिए सोच तो रहा था पर सो नहीं पाया, और मेरे को बड़ी वो हो रही है अंदर से एक्साइटमेंट, देखते हैं उस डब्बे में है क्या, कहीं पता चले जो इसके अंदर है वो मुझे पसंद ही ना आए। ओके, तो जो मुझे लग रहा था कि शायद ये चीज़ नहीं होगी, इसमें ये चीज़ है स्क्रूज वगैरह फिक्स करने के लिए। यार 300 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है यार। Nice. Guys, अभी रात के 1 बज रखे हैं, मैं बिना खाना खाए सो गया था और उसका एक रीज़न यह है कि मैंने घर पे ट्रिप पे जाने के लिए पूछा था और मना हो गई मेरी किसी वजह से, फिर मैं थोड़ा सा दुखी हो गया और फिर मैं सो गया। पर अब मेरे को रात को 1 बजे में नींद खुली है और मैंने दुख दुख में सिर्फ अपने लिए जोमेटो से खाना मंगा लिया। मैंने जोमेटो का गोल्ड खरीद रखा था, मेरे डिलीवरी चार्जेस बच गए, मतलब रात को 1 बजे खाना मंगा रहा हूँ अकेले के लिए। ईशान यार पता नहीं कहाँ, मैंने बात करी उससे, अभी तक वो अपने किसी फ्रेंड के घर रुक रहा है आज। रात को भाई डिलीवरी वालों को मतलब आने ही देते सोसाइटी में, तो मेरे को जाना पड़ेगा गेट तक, कोई बात नहीं। थैंक यू भैया। ओके ओके, ओहो फक हो गया, ऑयल निकला हुआ भाई सब्जियों में से, हाथ पे भी लग गया।
चलो कोई बात नहीं, मिक्स वेज का होगा शायद तेरे लिए। इस रेस्टोरेंट की पैकिंग बहुत भुद्दू है, बहुत ज़्यादा भुद्दू है भाई। नॉर्मल पॉलिथीन में डाल के दे दिया। लोगों ने इस रेस्टोरेंट को 4-star रिव्यू दे रखा था, इसलिए मैंने मंगाया। दिस इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। पर गाइस की फर्क पैंदा है, सानू तो खान तो मतलब हैगा। इन्होंने कटलरी नहीं भिजवाई यार, इनको कटलरी भिजवानी चाहिए। ओके यार, मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी। यार ये खाना तुम्हें कहीं से 300 रुपये से ज़्यादा का लग रहा है। ये मैंने इसे 300 something पे किए हैं इसके लिए। ये देखो भाई डूड, आगे से इस रेस्टोरेंट से तो नहीं मंगा रहा, पर खाना टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है। आओ भाई खा के ट्राई करें। पहले ट्राई करेंगे मिक्स वेज। मेरे लिए अच्छा मिक्स वेज वो है जिसकी सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो चुकी हों, पर ये सब्जियां सॉफ्ट नहीं हैं, खड़ी खड़ी सी सब्जियां हैं, मुझे नहीं पसंद। मिक्स वेज मेरे को नहीं पसंद आया यार, 150 रुपये का मिक्स वेज था, नॉट वर्थ इट। मैं घर पे सच्चा पे नहीं बना लूँगा, इसमें टेस्ट ही नहीं है। रिफंड चाहिए यार मेरे को, रात को इतने पैसे भर के